दोस्तों हिंदी में कहावत है ना, जितना अच्छा लीडर उतनी बेहतरीन टीम। वैसी चीज है यहाँ पे कि आप अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में सीईओ की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी या आपकी खुद की क्वालिटी जितनी होगी, उतनी अच्छी तरह से आप अपनी इंडस्ट्रीज के परिणाम को ला सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 5 लीडरशिप क्वालिटीज दैट यू आर लुकिंग इन योर सीईओ। आपके सीईओ के अंदर आप ऐसी कौन सी 5 लीडरशिप क्वालिटी देखना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में आप एक नया ड्राइव कर सकते हैं। ये जो पूरा वीडियो है ये आपको रिक्रूटमेंट के लिए भी काम आएगा, अगर आप सीईओ की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या मैनेजर्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज में या खुद में कोई इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो वहां पे भी काम आएगा। तो पूरे वीडियो को देखते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी की बात करेंगे तो आगे भी मैंने 9 रोल्स ऑफ लीडर करके एक वीडियो पब्लिश किया था जो आपने देखा ही होगा। आज हम बात करेंगे 5 लीडरशिप क्वालिटी जो सीईओ के अंदर होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ में है या आप में है तो आप ऑर्गेनाइजेशंस को एक नए आयाम पे ले जा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज में जो जो सीईओ काम कर चुके हैं उनके पास से बनाई गई ये चीजें हैं, तो पूरे वीडियो को जरूर से देखता रहेगा। द नंबर 1 पॉइंट जो ये यहां पे है वो है चैंपियन ऑफ चेंज। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप में जो बंदे काम कर रहे हैं, जो सीईओ लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका चेंज मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और ना वो अपने आप में लेकिन वो पूरी टीम में बदलाव ला पाने चाहिए। आज अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज में बदलाव के अलावा कुछ नहीं है। नई नई प्रोडक्ट आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्री 4 के स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं, कॉस्टिंग कम करना है, लोगों के सोच विचार में बदलाव लाना है, इनोवेशंस के अंदर अभी एंटरप्रेन्योर की जगह इनोप्रूकर करके नया टर्मिनोलॉजी आ रहा है जो इनोवेशंस की बात कर रहे हैं। तो आपके सीईओ में खुद में बदलाव लाने की और पूरी टीम में बदलाव लाने की क्षमता होनी चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया है चैंपियन ऑफ द चेंज होना चाहिए। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर आपके सीईओ के अंदर है, आपके खुद के अंदर है, तो आप अपनी इंडस्ट्रीज में एक बेहतरीन से बेहतरीन लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल 2 तरह से यूज की जा सकती है। एक है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एक है लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जितने भी टेक्निकल लोग हैं वो मेजोरिटी टाइम लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज करते हैं और जितने भी नॉन टेक्निकल लोग हैं वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनको आनी चाहिए। वहां पे बहुत सारे टूल्स हैं जैसे 7QC टूल्स हैं, लीन के टूल्स हैं, पैरेटोज हैं और बाकी के अलग अलग टूल्स भी हैं जो जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे ह्यूमन हैंडलिंग्स हैं, मैन पावर हैंडलिंग है, तो ये बाकी के भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनमें होनी चाहिए। अगर कोई बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम कर रहा है तो उनके पास सीईओ बनने की पूरी गुंजाइश है, ये हमेशा याद कीजिए रखिएगा। तीसरी चीज जो है वो रिजल्ट ड्रिवन। सीईओ चाहिए, रिजल्ट ड्रिवन चाहिए। चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, अगर अंत में रिजल्ट नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो अपेक्षाएं हैं इंडस्ट्रीज की, जो अपेक्षाएं हैं कस्टमर्स की, जो अपेक्षाएं हैं डायरेक्टर्स की, वो पूर्ण होनी चाहिए। जो डिमांड है इंडस्ट्रीज की वो वहां पे मैच होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली जैसे कहीं पे मैंने सुना हुआ है कि रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट रिवार्डेड। तो आपने कितनी मेहनत कर ली उससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट्स आर गोइंग टू मेक काउंट ऑन योर परफॉर्मेंस। तो जो सीईओ है वो रिजल्ट की बात कर पाने चाहिए। अगर सीईओ रिजल्ट की बात करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ये बात पक्की है। चौथी जो चीज है इनोवेशंस को एनहेंसमेंट मिलना चाहिए। आज दोस्तों जितने भी बिजनेस मॉडल देखेंगे, पिछले अगर 5 साल के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ओयो आया, मान लीजिए आपके पास उबर आए, तो इन्होंने या अपना बॉलीवुड ही दे लीजिए, तो इनके पास कोई नया बिजनेस मॉडल नहीं है, उन्होंने हार्डली कोई बिजनेस मॉडल लिया हुआ है। लेकिन इन्होंने इनोवेशंस को अप्लाई करते हुए पुराने बिजनेस मॉडल को एक नए आयाम से इनोवेशंस के साथ एक्सेप्टेंस किया है और आज इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जगह पे इनोवेशंस आते जा रहे हैं। तो ये जो इनोवेशंस है दैट शुड मेक डिफरेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशंस। आपके प्रोडक्ट में क्या इनोवेशंस ला सकते हैं, आपके प्रोडक्शंस में क्या इनोवेशंस ला सकते हैं, मेथड में कैसे इनोवेशंस ला सकते हैं, आपके MIS में कैसे इनोवेशंस ला सकते हैं, ये बहुत सारी चीजों पे इंडस्ट्रीज का बलबूता टिका हुआ है। तो इनोवेशंस कैसे ला सकते हैं और इसको किस तरह से ड्राइव कर पाएंगे, ये क्वालिटी भी आप सीईओ के अंदर जरूर से देखिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो लास्ट पॉइंट है वो सपोर्ट द टीम। जहां पे भी जरूरत है आपकी टीम को, जो लेवल पे जरूरत है वहां पे आपके
सीईओ या आप खुद वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके सीईओ वहां पे अवेलेबल हैं तो एक अच्छी क्वालिटी एस्टेब्लिश करते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब इफ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉय, योर एम्प्लॉय विल टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स, ऐसी चीज आ जाएगी। तो आपको हमेशा देखना है कि आप अपने टीम मेंबर के साथ उनके सही और बुरे दोनों वक्त में आप उनके साथ राजा की तरह वहां पे खड़े रहे, उनकी जरूरतों को समझे और उनको पूरा करने में उनको हमेशा मदद रूप हो, तो ये आप एक अच्छा लीडर बन पाएंगे। अगर आपने हमारा वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत सारे वीडियो लॉन्च कर रहे हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर, देखते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, नीरव त्रिवेदी, ग्रीन डॉट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।